टिकट अपना समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत करना है और अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देना है और इसलिए जिम्मेदारी देना है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल में केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके काम कोई भी किसी भी वर्ग का किसी भी धर्म का किसी भी जात का कहीं पर भी कोई काम नहीं किया है। केवल पूरे देश की जनता को पूरे प्रदेश की जनता को खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को भटकाने का काम किया है। तो इसके हम लोग निकले हैं संगठन को मजबूत करेंगे और जिम्मेदारियां भी अपने संगठन के पदाधिकारियों को देंगे और सभी को जो भी इधर उधर जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं सबको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके केवल हम लोगों का केवल काम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का। तो जब हम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटा लेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं बनने वाली है। इसलिए हम लोग रामचरितमानस को लेकर आप क्वेश्चन करते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इन चक्रों में हम नहीं पड़ने वाले लोग हैं और किसी को समाजवादी को नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सी समस्याएं हैं समय प्रदेश में देश में बहुत सी समस्याएं हैं तो बहुत कुछ है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी में तो भटकाना चाहते हैं पूरे देश की जनता को सभी को काम इनको कुछ करना नहीं है। हम लोग ऐसे चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। कल पापा ने दो को निष्कासित किया है उसको लेकर क्या है समाजवादी पार्टी में आप भी हैं और दो लोगों को निष्कासित किया उसको लेकर आपका क्या सीन है? देखिए जो भी पार्टी का कोई भी बात है पार्टी में तो पार्टी के फ्रंट पर रखना चाहिए और अनुशासन में चलना चाहिए पार्टी। 2024 में समाजवादी पार्टी बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगी? अनुशासन में चलना चाहिए। कोई भी बात है तो पार्टी फ्रंट पर रखिए बात को और संगठन में रहना है तो अनुशासन में रहना है। अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो पार्टी फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 2024 में मुकाबला करेंगे आप 2024 में? इसलिए हम इसी तो बात को कहा मैंने कि पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे और अपनी पार्टी के लोगों को जिम्मेदारियां देंगे कि गांव-गांव जाएं और जितनी भी समस्याएं हैं इस समय उतनी समस्याएं हैं। देखिए एक तो बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार की समस्या है। तो ये सभी समस्याएं हैं, इसी ये जितनी समस्याएं हैं काम कुछ किया नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए तो भटकाना चाहते हैं। कानपुर देहात की बड़ी घटना हो गई, कानपुर देहात में माँ बेटी जलकर मर गई, कानपुर की घटना के नाम पर कार्रवाई हुई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए को अभी चुनाव था, इससे पहले 2022 का चुनाव था, तब सभी बुलडोजर के नाम पर ताली पिटवाया करते थे, जनता के बीच में सब ताली पिटवाते थे और ये इस तरह की बताइए कानपुर में एक परिवार को बताइए झोपड़ी की जगह नहीं देंगे। अगर कहीं पर भी कोई जगह है तो उस पर कार्रवाई अगर करनी है तो कोर्ट है, तहसीलदार कोर्ट है, SDM कोर्ट है, उसमें पहले नोटिस दीजिए, मुकदमा चलाइए और फिर जरा से एक झोपड़ी की भी जगह नहीं दोगे उस पर भी जो बुलडोजर चलेगा। तो इसलिए ये देखना, अभी तो ताली पिटवाते थे, अब देखिए अपनी खोपड़ी भी पिटवाएंगे। सर प्रदेश कार्यालय पे एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें कुम्हार जाति को लेके बताया गया कि इस चौपाई को बैन करना चाहिए, बैन होनी चाहिए कि कुम्हार जाति को बताया गया है। किसी भी जात और धर्म पे आप चलने वाले लोग नहीं हैं, न चलेंगे,
हम लोग नहीं चलेंगे। हम लोग देखिए, ये हमारा जो भी देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान के अनुसार चलना है, हम लोगों को संविधान के अनुसार चलना है। इसी में तो भारतीय जनता पार्टी भटकाने में लगी है, धर्म और जात की राजनीति में भटकाना चाह रही है। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग अब धर्म और जात की राजनीति पर नहीं चलेंगे, हम चलेंगे संविधान के अनुसार। हिंदू राष्ट्र को लेकर के बयानबाजी होने चालू हो गई है आपके सपा आपके सांसद कह रहे हैं, हम लोग नहीं चलने वाले, इसमें नहीं पढ़ने वाले। हम लोग तो देखिए, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में जनता के सामने। उन समस्याओं को लेकर के, उन समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी हल नहीं करना चाहती है, केवल धर्म और जात पर चलना चाहती है। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम खुद धर्मनिरपेक्ष हैं। तो भारत अगर हिंदू राष्ट्र के अनुसार दिक्कत क्या सकते हैं, देखिए संविधान के अनुसार चलो। संविधान से अगर भारत हिंदू राष्ट्र इधर बनता है तो उसमें समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि ना भारत वो हिंदू रहेगा, हम ना बनने देंगे। धर्मनिरपेक्ष देश है, या तो संविधान को क्या खत्म कर दोगे? जो संविधान के अनुसार चलना है, तो संविधान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नहीं चलना चाह रही, संविधान को भी खत्म करना चाह रही, ये हम लोग नहीं होने देंगे। चार दशक में पहली बार सर आजम का परिवार जो है संसद से भी उससे बाहर रहेगा, सर क्या कहेंगे सर? देखिए आजम पर तो इतना, देखिए हम लोग भी सत्ता में रहे हैं, चार बार सत्ता में रहे, तीन बार नेताजी, एक बार अखिलेश सत्ता में रहे हैं, किसी भी विपक्ष को परेशान नहीं किया है। ये तो विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हर तरीके से झूठे मुकदमे लिखवा देना, झूठे मुकदमे के लिखा करके जेल भेज देना, और सब संस्थाओं पर कब्जा करने करते चले जा रहे हैं। संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं ये लोग। रामकोट में कैंसर पीड़ित की जमीन पे बाबा का बुलडोजर चल गया, उसकी चक्की को उठा दिया गया, क्या कहेंगे इस पे? ये तो सीतापुर में चला है जी, सीतापुर का रामकोट, तो वही तो बता रहे, जरा जरा से मामलों में बुलडोजर चलेगा। 24 में बुलडोजर इस तरीके से किसी को रहने नहीं देंगे, गरीब आदमी को रहने नहीं देंगे। 24 में वोट भी है, अच्छा वोट भी है, वोट भी तो है। अगर कहीं पर भी ग्राम समाज की जमीन है, और ऐसे तो पहले तो हमने जब हम सरकार में थे राजस्व मंत्री थे, राजस्व संहिता इसी लिए लागू कर दी, आज समझ लीजिए 10 साल 20 साल 50 साल पहले सभी गांव के गांव ग्राम समाज की जमीन पर बने हैं, तो उसी के लिए हमने कानून बना दिया था। राजस्व संहिता जो लागू हुई है उसमें घरौनी जो लागू हो चुकी है, घरौनी जो लागू हो चुकी है, क्यों नहीं अभी तक 5 साल गुजर गए हैं, अभी तक इन्होंने अगर सभी जितने भी जहां पर भी लोग बसे हुए हैं, घर बने झोपड़ी है, 20 साल से 25 साल से अगर उसमें रह रहे हैं, तो उनके लिखित में उनको उसका अधिकार दे देना चाहिए, लेकिन बाबा जी का बुलडोजर चलेगा हर बार। सिपल जी आखिरी सवाल, विपक्ष का 24 में नेता कौन होगा? विपक्ष का 24 में नेता कौन होगा? 24 में जी आपके जो विपक्षी लोग हैं जो एकता की बात करते हैं, उनका कौन नेता होगा विपक्ष में 24? देखिए 24 में अभी तो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष में नेता भी हैं, अभी भी हैं, हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी को हटा लेंगे तब कोई वो सोचे कौन बनेगा। प्रदेश की कितनी सीटों पर, प्रदेश की लोकसभा कितनी सीटों पर? मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी को हटा करके संगठन को मजबूत करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे और हम लोग सरकार में आए। 2024 में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी प्रदेश से लेकर आएगी? हमारा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा इतना जीतें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना आ पाए। सुभाष जी एक आखिरी पूछ रहे, आज सुबह मुख्यमंत्री जी लाइव थे, उन्होंने लाइव को देखकर बोला है कि पहले किसान जो है पलायन करता था, हमने 9 सालों में किसानों के लिए कार्य किया, और चीनी का निर्यात सबसे ज़्यादा हुआ है उत्तर पूरे देश में। देखिए इनसे ज़्यादा कोई झूठ बोल नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी के अलावा झूठ बोलने के। वैसे अभी तो मैंने सुन नहीं पाया, आप पूरे आंकड़े में भी निकाल लेंगे, आप भी निकाल लेना। इन्होंने कोई काम नहीं किया है किसानों के लिए, बताइए अभी तक किसानों को MSP दे पाई?
इन्होंने केवल किसानों पर कभी भी किसी भी किसान पर जीएसटी नहीं लगी है। इन्होंने तो जीएसटी और थोप दी है। वैसे ही किसानों को खाद दे नहीं पा रहे, पानी दे नहीं पा रहे, बिजली दे नहीं पा रहे, बिजली में तो कीमतें बढ़ाते चले जा रहे, खाद पर तो बिजली बढ़ाते खाद पर तो कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं और समय पर खाद पानी दे नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने निर्यात कहाँ से कर दिया? और इन्होंने बताइए, हम पूछना चाहते हैं गन्ने का मूल्य कितना बढ़ाया है? क्या धान में, गेहूं में, किस फसल में एमएसपी के बराबर वादा तो किया था किसानों का जो आंदोलन चल रहा था? यही तो वादे किए थे। अभी तक वो एक भी वादा, अभी तक किसानों को जो वादे किए थे, अभी तक कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी केवल बहकाना, भटकाना, केवल इसी में काम करती है, और झूठ बोलना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं।